हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज पढ़ते हैं वेपर प्रेशर के बारे में, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे राउले के लो के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को कंप्लीट देखें और टॉपिक को इजी बनाएं, केमिस्ट्री को इजी बनाएं। स्टार्ट करते हैं। देखो तो अपन पढ़ने वाले हैं आज वेपर प्रेशर के बारे में, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर के बारे में। देखो ये क्या है, इसको ऐसे समझना, स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने ये एक बर्तन ले लिया है, ठीक है बच्चों, मैंने ये एक बर्तन लिया। इस बर्तन में मैंने एक लिक्विड भर लिया है, कोई ये इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक बर्तन लिया और इस बर्तन में कोई लिक्विड भर दिया है। इस बर्तन को मैंने ऊपर से बिल्कुल पैक कर रखा है, ठीक है। तो अपन ने एक लिक्विड ले लिया है, इसको ऊपर से बिल्कुल पैक कर दिया है। अब इस लिक्विड की क्या बनेगी, वेपर बनेगी, ये इसकी वेपर बन रही है। क्लियर कर रहे हो, एक लिक्विड ले रखा है और ये लिक्विड की क्या बन रही है, वेपर बन रही है। टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखो, टेम्परेचर बिल्कुल कॉन्स्टेंट रखना है। एक मिनट, एक बात और सुनो, कई यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनकी सोच क्या होती है, उसकी थिंक क्या होती है, उसके बारे में सुनो। स्टूडेंट सोचते हैं कि हर क्या सभी टेम्परेचर पर वेपर बनती है क्या। हाँ, सभी टेम्परेचर पर वेपर बनती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जो अपना जल होता है उसमें स्टूडेंट सोचते हैं कि जल की वेपर तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बनती है। अरे उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो, तो वेपर तो हर टेम्परेचर पर बनती रहती है। एक बार बताओ, अगर अपन इस समय कोई पानी यहाँ डाल दें अपने फर्श पर, तो क्या वो उसकी वेपर नहीं बनेगी, क्या वो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा। तो कोई भी लिक्विड हो, वेपर तो हर टेम्परेचर बनेगी, लिक्विड वोलेटाइल होना चाहिए। तो इसकी वेपर बन रही है, ये वोलेटाइल लिक्विड है और इसकी क्या बन रही है, ये वेपर बन रही है। तो अभिक्रिया चल रही है, एक रिएक्शन चल रही है, जिसमें इस लिक्विड की क्या बन रही है, वेपर बन रही है। कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो इसके मॉलिक्यूल है वेपर के, ये भी आपस में जॉइंट होंगे और जॉइंट होकर के वापस किसका निर्माण करेंगे, लिक्विड का। तो ये वापस लिक्विड फॉर्म करेंगे। तो अपने पास एक तरह से टू रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी हैं, एक तो लिक्विड से वेपर बन रही है और वेपर से वापस क्या बन रहा है, लिक्विड। तो एक टू डायमेंशनल रिएक्शन, टू साइडेड रिएक्शन चालू हो गई है, स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। एक बात अब मेरी ढंग से सुनो, कुछ समय बाद यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि लिक्विड से वेपर बनने और वेपर से लिक्विड बनने की जो रिएक्शन है दोनों, इनके जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी, स्पीड कॉन्स्टेंट और इक्वल हो जाएगी एक दोनों की, ठीक है। तो अपन यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं। ये मैंने एक लिक्विड लिया, लिक्विड की वेपर बन रही है, वेपर से लिक्विड वापस चल रही है रिएक्शन, और अब इस समय दोनों रिएक्शनों की स्पीड कॉन्स्टेंट है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इस स्थिति में जो ये लिक्विड है, जो ये वेपर है, ये इस लिक्विड पर जितना प्रेशर लगाएगी वो होगा वेपर प्रेशर, ठीक है। ढंग से क्लियर कर लो, वेपर प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर किसी लिक्विड की वेपर द्वारा इस लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर। पर कंडीशन ध्यान रखना, दोनों के बीच में जो ये डबल रिएक्शन चल रही है अपनी, टू साइडेड रिएक्शन, इनमें क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। उस समय वेपर जो प्रेशर लगा रही है वो प्रेशर कौन सा प्रेशर है बेटा, वो वेपर प्रेशर है। अब अपन को जो वेपर प्रेशर पढ़ना है वो टू डिफरेंट कंडीशन में पढ़ना है। कंडीशन फर्स्ट, क्लियर कर लो, पहली कंडीशन जहां अपन वेपर प्रेशर पढ़ने वाले हैं, पहली कंडीशन है फॉर लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन।
मतलब अपन को एक सॉल्यूशन लेना है, उसमें दो लिक्विड है, क्लियर करो एक एक बात को। एक सॉल्यूशन में दो लिक्विड है, ये लिक्विड सॉल्यूट है और ये लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है। तो एक सॉल्यूशन लिया जिसमें दो लिक्विड है, दोनों एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। दूसरी कंडीशन, दूसरी बात मेरी, ये दोनों ही वॉलेटाइल है, मतलब दोनों की वेपर बनती है, दोनों ही ऐसे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी वेपर नहीं बनती है। तो यहाँ अपन पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। एक सॉल्यूशन लिया मैंने जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल है, दोनों ही लिक्विड है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। देखो इधर मैंने बर्तन लिया, क्लियर। इस बर्तन में दो लिक्विड है, एक ए और एक बी। ए को मान लेते हैं कि ये सॉल्यूट है और बी को मान लेते हैं ये सॉल्वेंट है, ठीक है। अब दोनों की वेपर बनेगी, ये लो इसको पैक कर दिया, दोनों की वेपर बनी। यहां पर जो ये वेपर बन रही है इसमें दोनों ही होंगे, ए भी होंगे और बी भी होंगे, ठीक है। तो दोनों की वेपर बन रही है, क्लियर। अब राउले का नियम आता है यहां पर, राउले लो। राउले क्या कहता है, ढंग से सुनो। अब राउले हमसे ये कहता है कि राउले कहता है कि जो एक एलिमेंट है, मान लो कोई सी एलिमेंट ले लेते हैं, कि कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो मैंने ए एलिमेंट ले लिया, इसका जो वेपर प्रेशर होगा, राउले जी लॉ सुनो ढंग से, कि ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो इस सॉल्यूशन में ए के मोल फ्रिक्शन, मोल फ्रिक्शन समझ गए ना, जैसे ए के मोल फ्रिक्शन निकालने हैं, तो ऐसे निकालेंगे, मान लो इसमें ए के मोल एन ए और बी के मोल एन बी। तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ए के मोल में इस तरह से निकालेंगे, ए के मोल को डिवाइड कर देंगे ए और बी के कुल मोलों से, तो ए का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ऐसे अगर तुम्हें बी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो बी के मोलों में को डिवाइड कर दोगे ए और बी के कुल मोलों से, ठीक है। तो राउले क्या कह रहा था, उस बात पर वापस आते हैं। राउले का लॉ क्या है कि जो ए का वेपर प्रेशर है, भाई ये तो वेपर प्रेशर तो लगाए गई, ए का वेपर प्रेशर जो है वो इस सॉल्यूशन में ए के जो मोल फ्रिक्शन है और ए के जो प्योर स्टेट में जो प्रेशर है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। ए के मोल फ्रैक्शन जो इस सॉल्यूशन में है और ए के प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट का मतलब समझ गए होंगे, जब मान लो इसमें ए ही होता उस स्थिति में, उस कंडीशन में जो ए का प्रेशर आता, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पूरे टॉपिक में ध्यान रख लेना। अगर इसमें केवल ए ही होता तो जो आता ए का वेपर प्रेशर वो होता है, वो इस समय उस वो क्या है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। तो राउले क्या कहना चाहता है कि राउले हमसे कहता है कि किसी भी एलिमेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, उस एलिमेंट का वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन में, किसी अवयव का, किसी एलिमेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा इस सॉल्यूशन में, उस अवयव के मोल फ्रैक्शन और उस अवयव के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो अब तुम आगे क्लियर कर चुके होंगे, इसको एक बार ढंग से सुन लो। इसको बोलेंगे अब ए का पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक बाष्प दाब। ऐसे ही बी का अगर पार्शियल वेपर प्रेशर निकालें तो वो आएगा बी के मोल फ्रैक्शन और बी के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के गुणनफल के बराबर, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, अब मुझे बताओ तुम सोच समझ करके, कि जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, तो मैंने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लिए सिंबल दे दिया है पीएस, ये दोनों के, इन दोनों मतलब ए के पार्शियल वेपर प्रेशर और बी के पार्शियल वेपर प्रेशर के योग के बराबर आएगा,
ठीक है, तो रावले की बात क्लियर कर लो। रावले कहता है यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल हैं, तो किसी भी एलिमेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, उस एलिमेंट के सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन और उस एलिमेंट के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो ए और बी के जो एलिमेंट हैं ये अपने, इनके जो वेपर प्रेशर हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर हैं, उनके एड के बराबर आएगा। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब मैं मेरी बात को फिर आगे बढ़ाता हूँ इसमें, ठीक है। देखो अब आगे मैं इसे इस तरह से और आगे समझाता हूँ। देखो अपने पास ये तीन इक्वेशन है, दो तो ये बन चुकी हैं और एक इक्वेशन ये बन चुकी है, पी एस बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। अब इसमें मैं मान रखता हूँ इनके, देखो इधर पी एस बराबर पी ए का मान रख दिया एक्स ए पी नॉट ए प्लस पी बी का मान रख दिया एक्स बी पी नॉट बी, ठीक है। मैं इसको चाहूँ तो अभी आगे और बढ़ा सकता हूँ। कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी का टोटल कितना आता है, वन आता है, तो मैं एक्स ए बराबर क्या रख सकता हूँ, वन माइनस एक्स बी। क्लियर कर लो भाई, एक्स ए प्लस एक्स बी का टोटल एक आता है, तो मैं एक्स ए बराबर कितना रख सकता हूँ इसमें, वन माइनस एक्स बी रख देता हूँ। देखो इधर एक्स ए का मान रखने वाला हूँ मैं, तो अपने पास बन जाएगा पी एस बराबर एक्स ए का मान कितना आया, वन माइनस एक्स बी, और यहाँ कितना है पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, गुना कर देते हैं क्या आता है, मल्टीप्लाई करने पर ये आया पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस एक्स बी पी नॉट बी। अब मैं यहाँ कॉमन लेता हूँ, देखो क्या आता है, यहाँ तो पी नॉट ए है ही है, मैं यहाँ से एक्स बी कॉमन ले रहा हूँ प्लस ए, जब मैं प्लस का एक्स बी कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, पी नॉट बी तो आ ही जाएगा, माइनस के क्या आ जाएगा पी नॉट ए। क्लियर, गुना करके देख लो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपने पास क्लियर है कि ये आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन नंबर तीन मान लेते हैं, तो ढंग से देख लो बेटा, वो अपने पास तीन इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। इसको एक एक को ढंग से क्लियर करते हैं, इधर आ जाओ। ये इक्वेशन है बाई बराबर एम एक्स की, और बाई बराबर एम एक्स की जो इक्वेशन होती हैं इनका जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, और ये भी बाई बराबर एम एक्स की इक्वेशन है, तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे, इससे अपन ग्राफ बनाएंगे तो वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। पर ये जो नीचे अपने पास तीसरी इक्वेशन आई है इसका ग्राफ कैसा आता है, इसको ढंग से देखो। यहाँ पर ये तो हो गया बाई, बाई एक्स पर लेंगे इसे, एक्सिस पर, बाई एक्सिस पर बाई बराबर ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा प्लस सी, तो ये अपने पास आएगी इक्वेशन बाई बराबर एम एक्स प्लस सी की, जिसका ग्राफ इस तरह का आता है, जो यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन सेंटर से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अपने मैंने दो ग्राफों के बारे में बताया, बाई बराबर एम एक्स का जो ग्राफ आता है वो मेन सेंटर से स्टार्ट होता है, स्ट्रेट लाइन आता है, और जबकि बाई बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ इस तरह का आता है, जो मेन सेंटर से स्टार्ट नहीं होता, ये सी होता है तुम्हारा। क्लियर, यहाँ तक का मान, ये तो सी हो गया और ये ढाल हो जाएगा, ठीक है, ये इसका रोप हो जाएगा। तो अपने पास तीन इक्वेशन है, तीनों से को मिक्स करके एक ग्राफ बनाते हैं, तीनों इक्वेशन को मिक्स करते हैं, तो मैं तीसरी इक्वेशन को यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तीसरी इक्वेशन अपने आसपास आई कि पी एस बराबर है पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, तीनों को मिक्स करके एक अब अपन एक ग्राफ तैयार करते हैं। देखो कैसे बनेगा ग्राफ, ये अपन ने ले लिया, ठीक है, इधर को वेपर प्रेशर लेना है, दोनों तरफ ही वेपर प्रेशर है भाई, देखना इसमें दो तो वाई एक्सिस है और ये नीचे कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको मैं आगे करता हूँ, यहाँ मान लेते हैं कि एक्स भी, देखो इधर को ले रहा हूँ मैं मोल फ्रैक्शन, क्लियर कर लेना बेटा हर चीज को, इधर को मोल फ्रैक्शन लिया गया है और इधर वेपर प्रेशर है, ठीक है, क्लियर। अच्छा यहाँ पर एक्स वी का मान जीरो है, तो एक्स ए का मान कितना आएगा, एक, क्लियर कर लो,
क्योंकि मैंने पहले बताया है कि एक्स ए और एक्स बी का टोटल जो आता है वो मान कितना आता है बेटा, वो एक आता है। अच्छा, इधर से एक्स बी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ एक्स बी कितना हो चुका है एक, तो एक्स ए का मान कितना हो जाएगा जीरो। अब सोचो मेरी बात को, यहाँ इस तरह इसकी अपन ने तैयारी कर ली, अब मेरी बात को ढंग से सोचो। जब यहाँ पर एक्स बी का मान जीरो है, मतलब इसके मोल फ्रैक्शन नहीं है, और इसके जब मोल फ्रैक्शन नहीं होंगे तो उस समय केवल बिलियन में, केवल सॉल्यूशन में एक ही एलिमेंट तो होगा ए, तो एलिमेंट ए ही है, तो वो प्योर स्टेट में ही तो हुआ, और जब वो प्योर स्टेट में हुआ तो मान लो जो वेपर प्रेशर आगा होगा वो पी नॉट ए ही तो आएगा। और यहाँ सोचो इस समय इस पर, यहाँ इस पर मेन सेंटर पर, इस समय केवल सॉल्यूशन में एक्स ए तो जीरो है, मतलब इसके तो कोई मोल वोल नहीं है, तो इस समय केवल कौन है यहाँ पर, एक्स बी है, केवल एक्स बी है, तो इस समय जो वेपर प्रेशर आएगा वो एक्स बी का ही तो आएगा प्योर स्टेट में। ठीक है, अब अपन इसमें तीन ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, एक इस तरह का, एक इस तरह का और एक इस तरह का। देख लो तीन है, ये एक समीकरण, तीन समीकरण है ना अपने पास, तीन इक्वेशन है, तो तीनों के तीन ग्राफ हो गए। इसको तो क्लियर समझ लो, अभी थोड़ी देर पहले बन रहा है, देख लो ये इसी तरह का ग्राफ है, तो ये तो इस इक्वेशन का ग्राफ है, इक्वेशन नंबर थर्ड का, क्लियर। और ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, यहाँ पर ये इस इक्वेशन का ग्राफ है सेकंड वाले का। क्यों? क्योंकि ढंग से देखो कि जैसे जैसे एक्स भी बढ़ता जाएगा, जब एक्स भी मान एक हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा पी नॉट भी, क्लियर। तो एक्स बी का मान बढ़ता जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ते 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 लास्ट में जब एक्स बी का मान एक हो जाएगा तो पी वी पी नॉट वी के बराबर ही तो आएगा, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, फर्स्ट का। तो इस तरह से इसमें तीन तीन ग्राफ तैयार किए अपन ने, और ये पढ़ा अपन ने, जो कंप्लीट पढ़ा है ये पढ़ा है अपन ने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, उसके वेपर प्रेशर, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में। अब अपन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, अब पढ़ते हैं अपन जो अपन पढ़ने वाले हैं, अब लिक्विड लिक्विड के नहीं, ढंग से क्लियर कर लेना भाई। अब अपन पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर किसके लिए, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन जो है, इसमें क्लियर कर लो, जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, और जो सॉल्वेंट है अपना वो सॉल्वेंट लिक्विड है, क्लियर। सॉल्यूट कौन है अपना, सॉलिड, और लिक्विड कौन है, सॉल्वेंट। दूसरी बात, ये वोलेटाइल नहीं है, अब ये नॉन वोलेटाइल है, और ये कैसा है, वोलेटाइल, मतलब जो वेपर बनेगी वो केवल किसकी बनेगी, सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की वेपर नहीं बनेगी, क्लियर कर रहे हो। तो अब बताओ मुझे सोच करके, ऐसी इस कंडीशन में, यहाँ पर भी बिलियन में, यहाँ पर भी सॉल्यूशन में, क्लियर कर लो, दो ही एलिमेंट है ए और बी, ए सॉल्यूट है बी सॉल्वेंट है, जो ए है वो नॉन वोलेटाइल है, जब ए नॉन वोलेटाइल है तो इसकी तो वेपर बनेगी नहीं, तो वेपर में केवल कौन होगा, वेपर में केवल बी होगा, क्लियर। वेपर में केवल कौन होगा बेटा, वो वेपर में केवल बी होगा। अच्छा, इस समय जो पी एस आएगा, जो बिलियन का, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो पी वी के बराबर ही तो आएगा, बी के वेपर प्रेशर के बराबर ही तो आएगा। यहाँ पर जो पी एस आएगा बेटा वो पी वी के बराबर आएगा, क्लियर कर लेना, क्योंकि ए की तो वेपर ही नहीं बन रही है, उसका वेपर प्रेशर कहाँ से आया, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, इसको ढंग से क्लियर कर लेना, वो किसके बराबर होगा, वो किसके इक्वल होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो एलिमेंट बी के वेपर प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसका मान रख सकते हैं अपन राउले के नियम से, राउले हमें पहले बता चुका है कि पी वी का मान आप रख सकते हो एक्स बी पी नॉट बी, क्लियर। इसको अपन इस तरह से रख सकते हैं क्योंकि पहले बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। अच्छा, इसको अपन आगे भी बढ़ा सकते हैं चाहे तो, देखो ऊपर मैं कर रहा हूँ अब सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कर रहा हूँ आगे अपने पास, या इसमें अपन रखते हैं चलो मान पी एस बराबर एक्स बी पी नॉट बी। बेटा इसमें अपन एक्स बी का मान रख सकते हैं, तुम्हें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है एक,
तो अपन इसमें एक्स बी का मान रख सकते हैं वन माइनस एक्स ए, तो रख सकते हैं, तो रख देते हैं वन माइनस एक्स ए, और ये है पी नॉट वी। मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है देखते हैं, ये आएगा अपने पास पी नॉट वी माइनस एक्स ए पी नॉट वी, कन्फर्म। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। एक्स ए पी नॉट वी ये प्लस हो जाएगा ना माइनस, और ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा इधर पी नॉट वी माइनस पी एस। क्लियर यहाँ तक? अब एक काम करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स ए बराबर क्या आ जाएगा पी नॉट वी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट वी। अब ये अपने पास एक और राउले का नियम आ चुका है, इसको क्लियर करते हैं कि क्या है ये नियम। राउले का एक नियम और आ चुका है अपने पास, इसको क्लियर करो पहले ढंग से कि ये क्या है, ढंग से सुनना एक एक बात को। ये है पी नॉट वी जो अपना सॉल्वेंट है, बी सॉल्वेंट ही माना है ना मैंने, जो सॉल्वेंट है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और ये है किसका सॉल्यूशन का। वैसे एक बात ध्यान करो, मैंने लिखा था कभी कि पी एस बराबर पी वी है सॉलिड लिक्विड सिस्टम में, क्योंकि जो ए तो है वो कैसा है, ए तो नॉन वोलेटाइल है, तो एक तरह से जो पी एस है वो पी एस पी वी वी का ही तो वेपर प्रेशर है, पर किस में है ये, सॉल्यूशन में, और ये है प्योर स्टेट में। तो ये एक तरह से क्या हुई, ये हुई लोवरिंग, कमी, किस में कमी, वेपर प्रेशर में, ठीक है, किसके वेपर प्रेशर में, बी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में होने वाली लोवरिंग है। और ये इसमें जब पी नॉट वी का अपने नीचे डिवाइडेशन कर दिया है तो ये है रिलेटिव लोवरिंग। क्लियर? तो अपन क्या कह सकते हैं कि राउले क्या कहना चाहता है कि जो रिलेटिव लोवरिंग है, कैसे बोल सकते हैं रिलेटिव लोवरिंग, किसके रिलेटिव लोवरिंग, क्या किस में, जो सॉल्वेंट है उसमें जो रिलेटिव लोवरिंग हो रही है वो किसके बराबर है, एक्स ए ए के मोल फ्रैक्शन के बराबर। दोबारा क्लियर कर लो, राहुल क्या कहता है, राहुले क्या कहना चाहता है, राहुल ये कहना चाहता है कि जो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें जो विलायक के जो सॉल्वेंट है उसके जो वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोवरिंग आती है, कमी आती है, वो ए के मोल फ्रैक्शन के समान होती है। ठीक है, तो अपन ने ये कंप्लीट टॉपिक पढ़ा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, इसी तरह की वीडियो देखते रहें, केमिस्ट्री को सरल बनाएं। धन्यवाद।